हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम लोग परीक्षा नज़दीक होने के नाते अब विविध से और आपका जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वहाँ से जो क्वेश्चन के कुछ कलेक्शन है तो मैं आपको डेली 1 से 5 सेट लेकर आऊँगा डेली अब, और वहाँ से मैं प्रश्नों का एक संग्रह दूंगा जो परीक्षा में आने के लिए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग पहले सेट वन। सेट वन में रोहिंग्या मुसलमान निवासी कहाँ के थे, तो जैसा कि हम सब जानते हैं ये म्यांमार के निवासी थे और ये बौद्ध संघर्ष के कारण इस वर्ष चर्चा में रहे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है झंडारोहण प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार है। देखिए दोस्तों, ये झंडारोहण एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अब कौन सा अधिकार है, ये मूल अधिकार है। झंडारोहण और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इस समय कौन सा है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हो गया है। और आगे, थारू एवं मधेशी जनजातियां नेपाल में नए संविधान के विरोध में आंदोलनरत हैं। अब आगे देखते हो जो महत्वपूर्ण हमारे लिए, सीताध्यक्ष मौर्य काल में किसी विभाग का अध्यक्ष कहलाता था, सीताध्यक्ष। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को दीवान अमीर को ही कहते थे और मौर्य कालीन में उन्हें सीताध्यक्ष कहते थे, जो कृषि विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। आगे, सुदर्शन पटनायक नामक कलाकार संबंध रेत पर मूर्ति बनाने से है। दोस्तों, यदि अभी क्वालिटी सही अगर आप न दिख रही हो तो यहाँ पे 3 बिंदु होगा, उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। आगे, अब मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा, राजत्व सिद्धांत बलबन, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, मनसबदारी प्रणाली, दसाला प्रणाली अकबर से संबंधित प्रणालियाँ हैं। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। अब पहली सूती वस्त्र उद्योग 1818 कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में तथा पहला ऊनी उद्योग कानपुर में 1876 में स्थापित किया गया। कन्फ्यूजन हो जाता है कि सूती वस्त्र की ऊनी वस्त्र, अगर सूती वस्त्र पूछेगा तो 1818 कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर तथा ऊनी वस्त्र पूछेगा, ऊनी उद्योग तो कानपुर। ड्रिप सिंचाई पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में इजराइल में है। भारत में यह सिंचाई राजस्थान और पश्चिमी भारत में प्रयोग में लाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, ये सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, केंद्र शासित अंडमान, सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये है आपका एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य, केंद्र शासित में सबसे बड़े केंद्र शासित, सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे जो है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश अनुमति बुद्ध ने किसे दी थी, वैशाली में। इस धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी है मौसी महाप्रजाति गौतमी। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब का वाद्य यंत्र वीणा था, कि औरंगजेब का वाद्य यंत्र वीणा, जबकि अकबर का वाद्य यंत्र नगाड़ा था। शाहजहां संगीत में रुचि और जहांगीर चित्रकला में रुचि रखते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एक लाइन में आपका क्लियर हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में मध्यकालीन शासन में एकता प्रणाली प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा, देखिए भी आप हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ मिला, किंतु इसे समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। स्थानीय शासन का प्रारंभ उदारवादी गवर्नर लॉर्ड रिपन ने किया, इसी ने सन 1881 में पहली व्यवस्थित 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ की, या इसी के समय से जनगणना शुरू हुई। गौतम बुद्ध निर्वाण माने ज्ञान प्राप्त किया कहाँ पे, बोधगया में, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु 484 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ज्ञान निर्वाण बोधगया में और मृत्यु कुशीनगर में हुई। दोस्तों, ये आज का सेट नंबर 1 था। अभी मैं आपको इसी तरह से 40 सेट महत्वपूर्ण दूंगा जो आपके लिए लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह से हम गेस क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको 40 सेट उपलब्ध कराऊँगा, आप इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर
आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आप सब जल्दी से सहायक अध्यापक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।